हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश में निकली 930 नई वैकेंसीज़ के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इन वैकेंसीज़ की सारी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो अपडेट्स चैनल पर अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, ये वैकेंसीज़ निकाली गई हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 930 और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा आज 3 मार्च 2020 को, और इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है 36/1/2020। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे 5 मार्च 2020 से और लास्ट डेट रहेगी इन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की 3 अप्रैल 2020। तो 3 अप्रैल 2020 तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं hpssb.hp.gov.in पे जाके फिलअप कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि इसके लिए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और आपका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपकी एज 18 साल से लेके 45 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 18 से लेकर 45 साल के बीच में आते हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए और इन वैकेंसीज़ के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए। अब देखते हैं वैकेंसीज़ कौन कौन सी किस डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी है जूनियर ऑफिसर आईटी की, जो है एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोस्ट कोड है 772 और 5 वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। इसी डिपार्टमेंट में नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जिसका पोस्ट कोड है 773, 5 वैकेंसीज रहेंगी। एचपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में सुपरवाइज़र री डिजिग्नेटेड एज वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है, 774 इसका पोस्ट कोड है और 2 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज रहेंगी। फिशरीज़ डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज़, 775 इसका पोस्ट कोड और 1 वैकेंसी ओबीसी अनरिजर्व्ड की है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट है, जिसका पोस्ट कोड है 776। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है इसमें 154। नेक्स्ट वैकेंसी है इसी डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट एलोपैथी की, 777 इसका पोस्ट कोड है और 19 वैकेंसीज इसके लिए हैं। नेक्स्ट वैकेंसी इसी डिपार्टमेंट में है लेबोरेटरी असिस्टेंट, 778 पोस्ट कोड, 11 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है रेडियोग्राफर एलोपैथी की, 779 इसका पोस्ट कोड है और 80 वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर में वैकेंसी रहेगी जूनियर टेक्नीशियन, 780 पोस्ट कोड, 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन में वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोग्रामर की, 1 वैकेंसी। एचपी जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड में सुपरवाइज़र की पोस्ट है, पोस्ट कोड है 782, 1 वैकेंसी रहेगी। इसी डिपार्टमेंट में नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की, 783 पोस्ट कोड है, 3 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है ऑपरेटर, 784 पोस्ट कोड और 5 वैकेंसीज रहेंगी। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इसमें वैकेंसी है कंप्यूटर असिस्टेंट, 785 पोस्ट कोड है और 10 वैकेंसीज रहेंगी। पुलिस में स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती होगी, जिसका पोस्ट कोड है 786, 32 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजरी ट्रेनी P&E की भर्ती होगी, 787 जो है इसका पोस्ट कोड है और 5 वैकेंसीज रहेंगी। नेक्स्ट भर्ती है इसी डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिसर, 788 पोस्ट कोड, 6 वैकेंसीज हैं इसमें। एचपी PWD में वैकेंसी है जूनियर ड्राफ्ट्समैन आर्किटेक्चर, 789 पोस्ट कोड है इसका, 1 वैकेंसी रहेगी। और दूसरी वैकेंसी है जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल की, 790 पोस्ट कोड और इसमें 1 वैकेंसी है ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसमें वैकेंसी है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल की, 791 पोस्ट कोड है और 3 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, 792 पोस्ट कोड और 4 वैकेंसी, जिसमें मेल की 3 और फीमेल की 1 हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री में एजुकेशन में है TGT मेडिकल की 136 वैकेंसीज और TGT नॉन मेडिकल की 144 वैकेंसीज, और TGT आर्ट्स की 795 जिसका पोस्ट कोड है इसकी वैकेंसीज हैं 307। तो ये थी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अब बात करते हैं इनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपकी,
तो सबसे पहले 772 पोस्ट कोड जो कि है जूनियर ऑफिसर आईटी के लिए, तो इसके लिए आपके पास फुल टाइम एमसीए या फिर एमएससी इन आईटी या फिर एमएससी डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपने पीजी डीसीए किया हो या फिर आपने बीटेक की होनी चाहिए सीएससी या फिर आईटी में 55% मिनिमम मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है 773 पोस्ट कोड जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जिसके लिए आप 10+2 पास होने चाहिए और आपकी जो है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग जो है कंप्यूटर की बोथ लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश में 80 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में 70 वर्ड्स पर मिनट, और कंप्यूटर टाइपिंग में 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और इन हिंदी 30 वर्ड्स पर मिनट। तो ये आपकी होनी चाहिए जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए। नेक्स्ट 774 पोस्ट कोड है सुपरवाइज़र री डेजिग्नेटेड एज वर्क इंस्पेक्टर। इस पोस्ट कोड के लिए आपकी मैट्रिक एग्जामिनेशन क्लियर होनी चाहिए और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट है 775 पोस्ट कोड सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज़, इसके लिए आप 10+2 पास होने चाहिए साइंस के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से। 776 पोस्ट कोड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2, इसके लिए आप 10+2 पास होने चाहिए और आपने BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी या फिर BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन लेबोरेटरी, BSc मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी लेटरल, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और आप जो हैं रजिस्टर्ड होने चाहिए हिमाचल प्रदेश पैरा मेडिकल काउंसिल के साथ। नेक्स्ट है 777 पोस्ट कोड जो कि है फार्मासिस्ट एलोपैथी का, इसके लिए आप 10+2 पास होने चाहिए साइंस में, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ कंसर्न स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट 778 पोस्ट कोड, इसके लिए आप 10+2 पास होने चाहिए साइंस के साथ और आपने सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अपने 10+2 में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 779 पोस्ट कोड जो कि है रेडियोग्राफर एलोपैथी का, इसके लिए आप 10+2 पास होने चाहिए और आपने BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी और इमेजिंग किया होना चाहिए या फिर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी या फिर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी इन एक्सरे और रेडियो डायग्नोसिस या फिर BSc रेडिएशन टेक्नोलॉजी या फिर BSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या फिर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग या फिर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग या फिर BSc इन एलाइड हेल्थ साइंस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल रेडियो एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी इन लेटरल एंट्री। तो इनमें से कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए हिमाचल प्रदेश पैरा मेडिकल काउंसिल शिमला से। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 780 जूनियर टेक्नीशियन का, इसके लिए आप मैट्रिकुलेट होने चाहिए यानी कि आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल या फिर फिटर ट्रेड का। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोग्रामर की, जिसका पोस्ट कोड है 781, तो इसके लिए आपके पास BE या फिर BTEC की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की या फिर आपने MCA किया होना चाहिए या फिर आपने बी और सी लेवल कोर्स किया होना चाहिए NIELIT से। अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर अगर आप BE BTEC पास हैं किसी अदर डिसिप्लिन में और आपके पास एक साल का ए लेवल ऑफ DOE ACC का है आपके पास सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस का या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है एक साल का गवर्नमेंट या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया हो आपने एज असिस्टेंट प्रोग्रामर या फिर प्रोग्रामर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर का या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री की है कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में और आपने मैथमेटिक्स जो है अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा है और आपके पास दो साल का एक्सपीरियंस है एज असिस्टेंट प्रोग्रामर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर का तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने BSc इन कंप्यूटर साइंस या IT किया हुआ है और या फिर BCA किया हुआ है और आपके पास 3 साल का जो है एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में एज असिस्टेंट प्रोग्रामर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर का तब भी आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस या फिर
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है एज असिस्टेंट प्रोग्रामर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर का, तब भी आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोग्रामर की 781 पोस्ट कोड के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है सुपरवाइज़र 782 पोस्ट कोड के लिए। तो इसके पास आपके पास इस पोस्ट के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास साथ ही साथ 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोडिंग अनलोडिंग फिलिंग एंड पैकिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू काउंटी लिकर का। नेक्स्ट है 783 पोस्ट कोड सीनियर असिस्टेंट इन अकाउंट्स। तो आपने बीकॉम या फिर एमकॉम या फिर सीए इंटर या फिर एमबीए इन फाइनेंस किया होना चाहिए और आपने जो है कोर्स किया हो टैली सिस्टम इन अकाउंट्स या फिर रिलेटेड फील्ड का और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अकाउंटेंट ऐसी कंपनी के साथ जिसका एनुअल टर्नओवर जो है 20 करोड़ का रहा हो। नेक्स्ट पोस्ट है 784 ऑपरेटर का। इसके लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बॉयलर इंडस्ट्रियल कंसर्न में ऑपरेटिंग का। नेक्स्ट पोस्ट है 785 पोस्ट कोड कंप्यूटर असिस्टेंट की। इसके लिए अगर आप बीई बीटेक पास हैं कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी या फिर आपने एमसीए किया हुआ है या फिर आपने बी और सी लेवल सर्टिफिकेट लिया है एनआई एलआईटी से तब आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने बीई बीटेक किया है किसी अदर डिसिप्लिन में इनके अलावा और आपके पास 1 साल का ए लेवल ऑफ डोएक है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपके पास कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आईटी का, तो अब भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने मास्टर डिग्री की हुई है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में और आपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ा है तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में की हुई है तब भी एलिजिबल, या फिर बीसीए किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर साइंस में तब भी आप एलिजिबल हैं। और इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज कंप्यूटर असिस्टेंट आपने काम किया होना चाहिए तब आप एलिजिबल हैं 785 पोस्ट कोड के लिए। 786 पोस्ट कोड स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो आप 10+2 पास होने चाहिए और आपकी जो स्पीड है शॉर्ट एंड में इंग्लिश में होनी चाहिए 60 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 60 वर्ड्स पर मिनट, और टाइपिंग ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए इंग्लिश 25 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी 25 वर्ड्स पर मिनट। 787 पोस्ट कोड की बात करें जो कि है जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजरी ट्रेनी P&A, तो इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन HR और पर्सनल मैनेजमेंट और उनमें आपकी 55% जो है वो होनी चाहिए। पोस्ट नंबर 788 जूनियर ऑफिसर, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी कॉमर्स में यानी कि आप BCom क्वालिफाइड होने चाहिए 55% मार्क्स के साथ। 789 पोस्ट कोड जूनियर ड्रॉट्समैन आर्किटेक्चर, इसके लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए या आपकी कोई हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपने जो है डिप्लोमा किया होना चाहिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप फ्रॉम द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए, या फिर अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है ड्रॉट्समैनशिप और या फिर आपके पास अगर डिप्लोमा है ड्रॉट्समैनशिप का या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट है किसी पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट या फिर ITI से तब भी आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। 790 पोस्ट कोड की बात करें जो कि है जूनियर डॉट्समैन सिविल, इसके लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए और आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रेड ऑफ डॉट्समैनशिप सिविल का या फिर कोई इसके इक्विवेलेंट हो तब भी आप एलिजिबल हैं 790 पोस्ट कोड के लिए। 791 पोस्ट कोड जो कि है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल का, इसके लिए आप ITI पास होने चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ITI के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपने जो है 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए रिस्पेक्टिव ब्रांच यानी कि इलेक्ट्रिकल में तब भी आप एलिजिबल हैं 791 पोस्ट कोड के लिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 792 हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए और गर्ल हॉस्टल के लिए फीमेल होनी चाहिए बॉयज़ हॉस्टल के लिए आप मेल होने चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्टल मैनेजमेंट का इन Class 3 सर्विसेज में। 793 पोस्ट कोड TGT मेडिकल, इसके लिए आप BSc मेडिकल पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का आपका BEd किया होना चाहिए, या फिर अगर आपने BSc मेडिकल किया है 45% मार्क्स के साथ और आपके पास 1 साल का BEd का कोर्स है इन अकॉर्डेंस विद
NCTE। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया है 50% मार्क्स के साथ और आपके पास 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया है 50% मार्क्स के साथ और आपने 4 साल का BSc मेडिकल एजुकेशन किया है तब भी एलिजिबल हैं। अगर आप BSc मेडिकल पास हैं 50% मार्क्स के साथ और आपने 1 साल का BEd किया हुआ है इन स्पेशल एजुकेशन तब भी आप एलिजिबल हैं। और इनके साथ साथ आपने टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है जो कि कंडक्ट किया गया हमीरपुर बोर्ड के द्वारा या फिर HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा, तो आप एलिजिबल होंगे 793 पोस्ट कोड जो कि है TGT मेडिकल के लिए, यानी कि आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है 794 पोस्ट कोड TGT नॉन मेडिकल, तो इसके लिए सेम क्राइटेरिया जैसा कि ऊपर रहा था, तो ऊपर आपका मेडिकल मांगा गया था, इसमें आपका नॉन मेडिकल मांगा जाएगा, बाकी आपका सेम क्राइटेरिया सेम आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी इसके लिए भी। TGT आर्ट्स की बात करें जो कि पोस्ट कोड है 795, इसके लिए आपने BA या फिर BCOM किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का BEd का कोर्स होना चाहिए, या फिर अगर आपने BA BCOM किया है 45% मार्क्स के साथ और आपने 1 साल का BEd किया हुआ है इन अकॉर्डेंस विद NCTE इन रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया है 50% मार्क्स के साथ और आपके पास 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी किया है 50% मार्क्स के साथ और 4 ईयर का BA Ed है तब भी एलिजिबल हैं। BA BCOM किया है 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन है तब भी एलिजिबल हैं। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका टेट एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफरेंट ट्रेड्स के लिए, डिफरेंट जो वैकेंसीज डिपार्टमेंट में हैं उनके लिए। आपकी फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड की लगेगी 360 रुपये फ़ीस, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनकी 120 रुपये फ़ीस, और जो फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विस मैन ऑफ HP हैं उनकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, और ऑनलाइन आपकी ही फ़ीस, या आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तभी आपकी काट ली जाएगी। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में, आई होप आपको अच्छे से जानकारी क्लियर हो चुकी है। डाउट्स हैं अगर आपके कोई भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।